निकलते हैं। ऊंचे काठी के राष्ट्रपति के कारवां के घोड़े और उनके ये अंगरक्षक अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन की ओर रवाना होते हुए कुछ क्षण में उनका ये कारवां पहुंच जाएगा संसद भवन। संसद भवन पहुंचती हुई राष्ट्रपति अपने कारवां के साथ और संसद भवन के द्वार पर स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए आप देख सकते हैं आज जो बारिश हुई है उसका पानी रिफ्लेक्ट करते हुए और किस प्रकार राष्ट्रपति का कारवां राष्ट्रपति भवन से निकलकर धीरे धीरे संसद भवन की ओर रवाना होते हुए कुछ क्षण में राष्ट्रपति का कारवां पहुंच जाएगा संसद भवन। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं सुबह 11 बजे राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, उनका अभिभाषण होगा। 18वीं लोकसभा का ये पहला तस्वीरों में अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। जयपुर कॉलम को भी जो कि इस राष्ट्रपति भवन प्रांगण की एक अटूट और असीम पहचान के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। फिलहाल धीरे धीरे राष्ट्रपति का ये कारवां आगे की तरफ बढ़ते हुए अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, अभिभाषण उनका होगा और उसके लिए राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं उनके काफिले। राष्ट्रपति के दोनों तरफ उनके घुड़सवार अंगरक्षक और अब ये काफिला ये कारवां आगे विजय चौक की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी पर नए संसद भवन जहां आपसे कुछ देर बाद पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी दूर तक जो नजर जा रही है वो भारत की पहचान के तौर पर देखा जाता है राष्ट्रपति भवन या जो इंडिया गेट की हम बात करें। फिलहाल ये जो कारवां है आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे इन तस्वीरों में लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कैसे राष्ट्रपति का जो कारवां है वो धीरे धीरे नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक और पीछे तस्वीरों में आपको राष्ट्रपति भवन के जो 12 पिलर्स हैं ठस्कन वो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए इस गुंबद की जो कि अपने आप में वास्तुकार का एक बेहद ही बेहतरीन उदाहरण। और फिलहाल ये कारवां आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ जयपुर स्तंभ फिलहाल हम देख रहे थे इन तस्वीरों में भी। और खास तौर से अगर बात की जाए राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं जो कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट और ये अपने आप में बेहद सुंदर तस्वीर हमारे सामने राष्ट्रपति भवन की जिसमें हम देख सकते हैं जयपुर स्तंभ को उसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन के इस गुंबद को। सेंट्रल डोम की अगर बात की जाए धीरे धीरे ये जो कारवां है आगे बढ़ रहा है नए संसद भवन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमने देखा जब राष्ट्रपति भवन से उन्होंने प्रस्थान किया उससे पहले राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं उन्होंने राष्ट्र सैल्यूट उनको दिया और फिर ये कारवां राष्ट्रपति भवन
से बाहर आकर आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर चुकी हैं। उनके साथ उनके घुड़सवार अंगरक्षक और अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे माना जा रहा है कि जो भाषण होगा उनका, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सीधे तौर पर, हालांकि अब से पहले भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी हैं, लेकिन हर बार ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में काफ़ी अनूठी नज़र आती है, एक नयापन इन तस्वीरों में, वास्तुशिल्प का एक अद्भुत नमूना राष्ट्रपति भवन, और उसी से आगे अब प्रस्थान करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कारवां। साथ ही साथ यहाँ दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक राष्ट्रपति का संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ कारवां और दूसरी तरफ संसद भवन। कुछ क्षणों में राष्ट्रपति का एक कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन, वहां पर स्वयं प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे और आज 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, उनका अभिभाषण होगा। 18वीं लोकसभा का ये उनका पहला अभिभाषण होगा। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज चूंकि राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है और अभी भी घटा छाई हुई है, समा बहुत ही सुहाना है और इन विहंगम तस्वीरों को और भी सुंदर बनाता हुआ दिल्ली का परिदृश्य, दिल्ली का मौसम और राष्ट्रपति का कारवां धीरे धीरे बढ़ते हुए पहुंच रहा है संसद भवन। कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संसद भवन में प्रवेश करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कारवां। आज राजधानी दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना है और ये सुहाना मौसम इस दृश्य को और भी विहंगम बनाता हुआ। और अब कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन। हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। ये है राष्ट्रपति का वाहन और साथ में चल रहे हैं उनके अंगरक्षक। विहंगम दृश्य जिसे राजधानी का सुंदर मौसम और भी विहंगम बनाता हुआ। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवां प्रवेश करता हुआ संसद भवन में, संसद भवन का ये मार्ग और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ संसद भवन की ओर, और ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाहन। कुछ क्षणों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंचती हुई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया और ये प्रक्रियाएं, ये परंपराएं हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत करती हुई, विहंगम करती हुई और बताती हुई कि भारत का लोकतंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ है।
ये सुंदर नज़ारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कारवां का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वाहन। इसी वाहन में बैठकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचती हुई। आज राजधानी दिल्ली में सुंदर ठंडी हवाएं चलती हुई और ये उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे को अभिवादन करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पर उपस्थित हैं। ये सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। उनकी आगवानी करेंगे और सदन के भीतर ले जाएंगे। घोड़ों की सुमधुर टाप के मध्य राष्ट्रपति का वाहन संसद भवन में प्रवेश करता हुआ। ये वो वाहन जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और ये वाहन पूरे लाव लश्कर और कारवां के साथ संसद भवन पहुंचता हुआ। संसद भवन के मुख्य गेट पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए संसद भवन परिसर के ये दृश्य हैं। राष्ट्रपति का कारवां आगे बढ़ता हुआ मुख्य द्वार पर पहुंचेगा। मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। अठारहवीं लोकसभा में पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अब से कुछ ही क्षणों बाद होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवां संसद भवन परिसर में आगे बढ़ता हुआ और मुख्य द्वार की ओर अग्रसर। ये राष्ट्रपति का वाहन द्वार पर पहुंचता हुआ, जहां पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अगवानी के लिए वहां पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और ये राष्ट्रपति का वाहन पहुंच गया है संसद भवन के द्वार। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, संसद भवन के गज द्वार से सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर संसद टीवी के माध्यम से। राष्ट्रपति पहुंच गई हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पर मौजूद हैं। और राष्ट्रपति अपने वाहन से बाहर आए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सलामी के पश्चात राष्ट्रपति संसद भवन के भीतर जाती हुई
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साथ में उपस्थित, और ये ऐतिहासिक सहंगोल, जी हां, पारंपरिक राजदंड सहंगोल की अगुवाई में निचले सदन यानी लोकसभा के कक्ष तक जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें सीधे संसद टीवी पर। जी हां, पारंपरिक राजदंड सहंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सदनों के महासचिव धीरे धीरे कदम लोकसभा की ओर बढ़ते हुए। पारंपरिक राजदंड सहंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक पहुंचती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये शोभा